देखते ही मुंह में पानी ला देने वाली ये चटपटी चाट आपको देगी बाजार से भी दुगना स्वाद। इसमें बनने वाले छोले से आप कई तरह की चाट बना सकते हैं, जैसे कि पापड़ी चाट, समोसा चाट, आलू टिक्की चाट। साथ में आपको बाजार से भी बहुत ही ज्यादा स्वाद भी मिलेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप जितना काबुली चना लिया है, तो उसे मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। तो ये अब अच्छे से भीग चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसे कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे सारे चने मैंने कुकर में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू और एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, उसके छोटे टुकड़े कर मैंने कुकर में ऐड कर दिए हैं। साथ में ही आधा चम्मच जितनी हल्दी ऐड कर दी है, स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल दिया है। आलू डालने से हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो एकदम घट बनेगी, एकदम गाढ़ी बनेगी और प्याज से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही हमने बहुत ही अच्छा कलर लाने के लिए हल्दी भी ऐड कर दी है। हम इसमें 6 से 7 विसल आने देंगे, जिससे कि ये जो काबुली चने हैं वो अच्छे से पक जाए। लेकिन अगर आप इसे बहुत ही जल्दी से पकाना चाहते हैं तो इसमें पिंच जितना कुकिंग सोडा ऐड कर दीजिए, तो 3 से 4 विसल में ही ये अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पे गर्म पानी में मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी है, जिससे कि इमली की चटनी है वो अच्छे से जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 1.5 चम्मच जितना जीरा और 5 से 6 मैंने सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड की है। अब हम इसमें धीमी गैस रखेंगे और उसको इस तरह से धीरे धीरे पका लेंगे, धीरे धीरे इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में हम डाल देंगे और इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब हम बनाएंगे हरी चटनी, तो उसके लिए मिक्सी जार में मैंने लिया है फुदीना। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मुट्ठी जितना मैंने फुदीना लिया है, साथ में ही उतनी मैंने धनिया पत्ता लिया है और 2 एकदम तीखी मिर्च ली है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, सादा नमक आधा चम्मच, साथ में ही काला नमक मैंने आधा चम्मच डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच से भी कम यानी कि 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें हींग डाला है। अब मैंने जो भी भुजिया सेव आपके पास हो वो उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भुजिया सेव डाल दी है, साथ में ही आधा मैंने नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटपटी सी एकदम मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। आप किसी भी समोसा, चाट या फिर भेल में भी इस चटनी को डाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे इमली और गुड़ की चटनी। तो यहाँ पे हमने जो इमली को भिगो के रखा था उसको हम मिक्सी जार में एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और उसको एक कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने से पहले हम इस तरह से छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि उसका जो ऊपर के छिलके हों वो निकल जाए। अब हमारी जो इमली का पानी था उस पर एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी जितना गुड़। आपको जितनी मीठी चटनी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें गुड़ ऐड कीजिए। तो गुड़ है वो अच्छे से घुल मिल गया है, पिघल गया है। तो अब हम इसमें 1.5 चम्मच जितना सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच जितना सादा नमक, आधा चम्मच जितना काला नमक और 1 चम्मच जितना हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे हमारी एकदम खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। हमारे जो काबुली चने हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम चम्मच की मदद से जो आलू है उसको मैश कर लेंगे, जिससे कि ग्रेवी है वो गाढ़ी बन जाए। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से
वजन देकर हमें सभी आलू को इस तरह से मैश कर लेना है। साथ में ही थोड़े चने को भी हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे एकदम गाढ़ा जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मिक्सी जार में मैंने दो टमाटर लिए हैं, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है छोटा सा, और एक मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो जो चटनी बनी थी ना वो एकदम गाढ़ी बन गई है। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। तो एकदम मज़ेदार सी हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। दोनों चटनी हमने यहाँ पे बना ली है। तो हमने जो टमाटर को एकदम पीस लिया था वो टमाटर की प्यूरी बनके तैयार हो गई है। अब हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच जितना तेल लेंगे। उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना जीरा, और हमने जो टमाटर की प्यूरी तैयार की है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम लो टू मीडियम रखेंगे। जो प्यूरी है उसमें से तेल निकलने लगा है, तो जब तक तेल इसमें निकले तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल है वो बाहर निकल रहा है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो जीरा और मिर्च का मसाला बनाया है वो ऐड कर देंगे 1 चम्मच जितना। फिर से हम उसे चलाते हुए जब तक तेल निकले तब तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकलने लगा था ग्रेवी में से। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे छोले, तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें भी उबाल आने देंगे। जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाएगा वैसे वैसे हमारी ग्रेवी है वो भी गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच जितना इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रख के ढक्कन को ढक के इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो छोले है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे आलू की टिकिया। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए हैं। आलू को एकदम ठंडा ही हमें रखना है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 घंटे पहले ही आलू उबाल के रख दिए थे, तो एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे मैश कर लेंगे। आलू बहुत ही अच्छे से हमें मैश करने हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्च के कटे हुए टुकड़े ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने जो मसाला बनाया है जीरा और मिर्च का वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ही 1/2 चम्मच जितना हम इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब आलू की टिकिया बनाने के लिए यहाँ पे हाथ में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इस तरह से हम टिकिया बना लेंगे। तो वो टिकिया बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सभी टिकिया मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल बीच में डाल दिया है। अब हम टिकिया को कॉर्नफ्लोर पाउडर से कोट करेंगे और उसको इस तेल में डाल देंगे, जिससे कि उसका जो ऊपर का लेयर है वो अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। हमें बहुत इसे नहीं पकाना है, आधा पक जाए तभी हमें इसे साइड में रख देना है। तो इस तरह से सभी टिकिया को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं सभी टिकिया का जो ऊपर का लेयर है वो एकदम क्रिस्पी सा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, नहीं तो जो टिकिया है ना वो जल जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, काली हो जाएगी। अब हम जो छोले बनाए हैं उसको एक डिश में सर्व कर लेंगे। साथ में ही हम 2 टिकिया रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी आलू की चाट बनके तैयार होती है। थोड़ा सा इसमें हम काला नमक छिड़क लेंगे, और थोड़ा सा हमने जो मसाला ऐड किया है उसको भी हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में ही थोड़ी टमाटर, थोड़ी प्याज और धनिया को भी इसमें ऐड कर देंगे। हमने जो ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बनाई है उसको भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी भुजिया सेव भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चटपटी सी, मज़ेदार सी, एकदम टेस्टी, बाजार से भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चटपटी सी चाट बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।